गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स ऑफ क्लास ट्वेल्थ यस्टरडे वी वर डिस्कसिंग अबाउट कॉन्टीन्यूटी विच इज चैप्टर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ मैथमेटिक्स ऑफ क्लास ट्वेल्थ एंड वी हैव डिस्कस मेनी क्वेश्चन रिलेटेड टू कॉन्सेप्ट ऑफ कॉन्टीन्यूटी सो नाउ वी विल डिस्कस फ्यू मोर क्वेश्चन एंड आई हैव रिटर्न क्वेश्चन नंबर सेवनटीन अप टू क्वेश्चन नंबर वी हैव डिस्कस इन द लास्ट लेक्चर सो इन क्वेश्चन नंबर सेवनटीन सेंग दैट फाइंड वैल्यू ऑफ के शो दैट फॉलोइंग फंक्शंस इज कॉन्टीन्यूअस शो दैट फॉलोइन फस या फॉलोइन फंक्शन इज कॉन्टीन्यूस एट इंडिकेटेड पॉइंट्स सो मैंने फर्स्ट पार्ट लिखा स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर सेवनटीन का जिसमें कह रहा है एफ एक्ट्स इज इक्वल टू के क्रोस एट्स अपॉन पाए माइनस टू एट्स और इसके लिए कंडीशन यू वन है x इज़ नॉट इक्वल टू पाई बाय टू मीन्स जब x लेस देन पाई बाय टू होगा और x ग्रेटर देन पाई बाई टू होगा देन वी हैव टू यूज दिस फंक्शन एंड वैन x इज इक्वल टू पाई बाई टू देन वी हैव टू टेक वैल्यू ऑफ फंक्शन इज इक्वल टू थ्री सो स्टूडेंट्स वी हैव टू यूज दीज बोथ डेफिनेशंस एंड वी विल ट्राई टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ के सो फर्स्ट ऑफ ऑल

ये सिंपली वो होता है वो पॉइंट जिस पर हम कंटिन्यूटी चेक करना चाहते हैं सो पाई बाय टू प्लस और फंक्शन विल बी के कोस एट्स अपॉन पाई माइनस टू एच स्टूडेंट्स यहाँ तक तो क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल है कोई भी परेशानी नहीं होनी चाहिए अब आगे चलते हैं नेक्स्ट स्टेप में हो जाएगा लिमिट एच टेंस टू ज़ीरो के कोस इट विल बी कम पाई बाय टू प्लस एच अपॉन पाई माइनस टू And replace x by pi by 2 plus h, so it will become like this. On solving further, we will get limit h tends to zero k. Now cos 90 plus theta name will change and sine will also change because cos in second quadrant is negative. So we will get minus sine h upon it will be pi माइनस पाई माइनस टू एच हेयर इट विल बी टू पाई अपॉन टू सो वी कैनसिल पाई सो दिस पाई एंड माइनस पाई विल कैंसिल ईच अदर सो फाइनली माइनस एंड माइनस ऑल्सो कैंसिल आउट सो वी डेट लिमिट एच टेंस टू जीरो के बाय टू साइन एच अपॉन एच विच कैन वी रिटर्न एच वन सो फाइनली वी डेट आर एच एल इज इक्वल टू के बाय टू सो

थ्री इज इक्वल टू के बाई टू और आई कैन से के बाई टू इज इक्वल टू थ्री दे फॉर वैल्यू ऑफ के विल बी इक्वल टू सिक्स स्टूडेंट्स कुछ बच्चे सोच रहे होंगे सर अगर हम यहाँ पे आर एच एल की जगह एल एच एल फाइंड आउट करते तो क्या ये क्वेश्चन नहीं होता बिल्कुल हो जाता है एल एच एल भी के बाय टू आया होता थ्री इज इक्वल टू के बाई टू किया होता तब भी के की वैल्यू क्या आई होती सिक्स आई होती सो so, इस तरीके से तुम सेवनटीन का पार्ट फर्स्ट कर सकते हो सो स्टूडेंट्स नाउ आई हैव रिटर्न सेकंड पार्ट ऑफ क्वेश्चन सेवनटीन विच इज एफ एक्स इज इक्वल टू टू एक्स स्क्वायर प्लस के इफ एक्ट्स ग्रेटर दैन इक्वल टू जीरो एंड माइनस टू एक्स स्क्वायर प्लस के इफ एक्स लेस दैन जीरो सो स्टूडेंट्स अब हमें एक्स इक्वल टू जीरो पर यह फंक्शन कॉन्टीअस दे रखा है वी हैव टू फाइंड आउट वैल्यू ऑफ डे अब यहाँ पर समझने वाली बात ये है कि अब इस क्वेश्चन में देखिए आर एच एल और जीरो पर यही फंक्शन काम में आ रहा है सो so, इसमें हमारे पास चॉइस है कि हम आर एच एल में से और एफ जीरो में से एक ही कैलकुलेट करें क्योंकि बस हमें दो बार दो ही यूज करने होते हैं तीन में से और वो दो ऐसे यूज करने होते हैं कि ये दोनों डेफिनेशन यूज हो जाएं। so, सो स्टूडेंट्स अब ये सबको पता होना चाहिए आर एच एल और एफ जीरो में से एफ जीरो कैलकुलेट करना ज़्यादा आसान है सो so, एफ़ जीरो विल बी ज़ीरो पुट कर दो सो so, क्या आ जाएगा सिंपली क्या आ जाएगा यहाँ पे जीरो पुट करो टो इंटू जीरो 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 प्लस के ओके okay. और यहाँ पर कौन सी डेफिनेशन यूज हो रही है एल एच एल सो इसमें हमें एल एच एल और फाइंड आउट करना पड़ेगा एल एच एल क्या होता है एल एच एल होता है लिमिट एच टेंस टू जीरो माइनस एफ एक्स एफ एक्स कौन सा है माइनस टू एक्स स्क्वायर प्लस थ्री ओके अब ध्यान से सुनिए लिमिट एच टेंस टू जीरो एच टेंस टू जीरो माइनस टू इन टू जीरो माइनस एच एल एच एल के लिए जीरो माइनस एच आएगा होल स्क्वायर प्लस के इस तरीके से फंक्शन बन जाएगा नाउ सिंपली व्हाट वी कैन डू वी हैव टू सब्सिटीट्यूट वैल्यू ऑफ एच इज इक्वल टू जीरो सो जीरो माइनस जीरो 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 इन टू माइनस टू जीरो फाइनली वी विल गेट के अब स्टूडेंट्स अब तुम सोच रहे हो कि ये भी क्या है ये भी क्या है दोनों चीए, चीए, अब दोनों इक्वल होने चाहिए कॉन्टीन्यूसली अब कह रहे इक्वल टू के तो इस बात का क्या मतलब है भाई के तो हमेशा के के इक्वल हो गई तो सर फिर इसका क्या आंसर लिखेंगे तो फिर हम सिंपली लिख देंगे फंक्शन इज क्वान्यूस फंक्शन इज क्वीन्यूअस फॉर ऑल रियल वैल्यूज सभी रियल वैल्यूज के लिए भाई कुछ भी रख लो के तो के के इक्वल ही होता है जैसे मान लो मैंने ट्वेंटी की वैल्यू वन रखो तो वन इक्वल टू वन आएगा नहीं आएगा ऑब्वियसली आएगा तो इसलिए मैं क्या कह सकता हूँ ये फंक्शन कैसे इंडिपेंडेंट है के को तो कुछ भी रखो ये हमेशा क्या होगा कॉन्टीन्यूस होगा थर्ड पार्ट डिस्कस करते हैं स्टूडेंट्स अब थर्ड पार्ट इस तरीके से जीवन है स्टूडेंट्स तो अब समझिए एट एच इक्वल टू जीरो पे बात कर रहा है तो जीरो से कम के लिए ये वाला फंक्शन काम में आएगा जीरो से ज़्यादा के लिए मतलब जीरो पे भी यही काम में आएगा और जीरो से ज़्यादा के लिए दैट इज आर एच एल यही काम में आएगा सो आर एच एल और एफ जीरो में से कौन सा आसान है एफ जीरो आसान है तो एफ जीरो पर क्या हो जाएगा बताओ टू इंटू जीरो प्लस वन अपॉन जीरो माइनस टू तो स्टूडेंट्स ये हो जाएगा वन अपॉन माइनस टू और वी सिंपली से माइनस वन बाई टू ओके ये तो एफ जीरो हो गया अब इस डेफिनेशन को और यूज़ करना है ये वाली तो यूज हो चुकी इसमें हमारे पास चॉइस थी कि हम आर एच एल और एफ जीरो में से कौन सा यूज करें हमने एफ़ जीरो यूज कर लिया अब बात करते हैं इसकी एल एच एल की जीरो से कम के लिए so, सो स्टूडेंट्स एल एच एल में मैं बोलूँ लिमिट एक्स टेंस टू जीरो माइनस और फंक्शन क्या होगा फंक्शन होगा रूट ऑफ वन माइनस वन प्लस के एक्स माइनस रूट ऑफ वन माइनस के एक्स अपॉन एक्स इस तरीके से होगा क्लियर है स्टूडेंट्स अब ध्यान से समझिए यहाँ पे डिनोमिनेटर में एक्स आ गया अब एक्स की वैल्यू पुट नहीं की जा सकती तो स्टूडेंट्स मैंने कल भी एक बात बताई थी तुम्हें जब भी डिनोमिनेटर में रूट आता है लिमिट वाले क्वेश्चन में डिनोमिनेटर में रूट आता है वो तो एंटायर मैथ्स में ऐसा होता है रेशनलाइजेशन करना है लिमिट वाले क्वेश्चन में अगर न्यूमिरेटर में भी रूट आए तो भी रेशनलाइजेशन कर दो सो so, रेशनलाइजेशन करेंगे लिमिट एच टेंस टू जीरो माइनस ये क्या हो जाएगा इट विल बी वन प्लस के एक्स माइनस रूट ऑफ वन माइनस के एक्स अपॉन एक्स इन टू रूट ऑफ वन प्लस के एक्स प्लस रूट ऑफ वन माइनस के एक्स अपॉन रूट ऑफ वन प्लस के एक्स प्लस रूट ऑफ वन माइनस के एक्स इस तरीके से क्लियर है स्टूडेंट्स अब रजिशनलाइजेशन करते हैं अब ध्यान से देखिए ये तो तुम्हें समझ में भी आ रहा होगा ए माइनस बी ए प्लस बी दैट इज ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर सो लिमिट एक्स टेंस टू जीरो माइनस ए स्क्वायर विल बी वन प्लस के एक्स माइनस बी स्क्वायर दैट विल बी वन माइनस के एक्स ओके सो इट विल बिकम वन प्लस के एक्स अपॉन एक्स इन टू रूट ऑफ वन प्लस के एक्स माइनस रूट ऑफ वन माइनस के इस तरीके से हमने इसको सिंप्लीफाई किया वन से वन कैंसिल हो जाएगा न्यूमरेटर विल बिटम लिमिट टेंस टू जीरो माइनस टू के एच अपॉन एक्स रूट ऑफ वन प्लस के एक्स माइनस रूट ऑफ वन माइनस के एच क्लियर है स्टूडेंट्स चलिए आगे चलिए अब ये सिंपली देखिए क्या बन गया अच्छा स्टूडेंट्स यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पे प्लस आएगा अब ये देखिए एक्स से एच एक टेंसिल हो गया अब सिंपली कुछ ऐसा बचा है अब फाइनली हम क्या करेंगे जो एच टेंस टू जीरो माइनस है अब लिमिट लास्ट में हमें क्या करनी होती है एच टेंस टू जीरो सो इट विल बिकम टू के अपॉन रूट ऑफ वन प्लस के और एच को रिप्लेस करेंगे जीरो माइनस एच से जीरो माइनस एच प्लस रूट ऑफ वन माइनस के इंटू एच को रिप्लेस किया जीरो माइनस एच से इस तरीके से सो so, ये हो जाएगा लिमिट एच टेंस टू जीरो टू के अपॉन सो स्टूडेंट्स अब मैं क्या कर रहा हूँ एच की वैल्यू रख रहा हूँ तो एच की वैल्यू जैसे ही रखूँगा ये जीरो हो जाएगा रूट वन प्लस रूट वन दैट इज़ ओवरऑल रूट वन प्लस रूट वन विल बी रूट टू सो रूट टू सो इट विल बी इक्वल टू रूट टू के सो दिस इज आवर लेफ्ट हैंड लिमिट दैट इज रूट के राइट हैंड लिमिट इज माइनस वन बाय टू सो दोनों इक्वल होनी चाहिए तो मैं यहाँ इक्वल कर रहा हूँ ध्यान से देखो रूट टू के इज इक्वल टू माइनस वन बाय टू सो आई कैन से के इज इक्वल टू माइनस वन अपॉन टू रूट टू विच इज आवर फाइनल आंसर द वैल्यू ऑफ के विच वी गेट आफ्टर सोल्विंग दिस क्वेश्चन इज माइनस वन अपॉन टू रोट टू तो मैं कहूँगी एक अच्छा क्वेश्चन है सेवनटीन्थ का थर्ड पार्ट नाउ वी विल डिस्कस फोर्थ पार्ट ऑफ सेवनटीन्थ क्वेश्चन स्टूडेंट्स यहाँ पे ये जो रूट वन प्लस रूट वन हुआ था ये रूट टू नहीं होगा एक्चुअली रूट वन इज वन एंड रूट वन इज़ वन सो ये टू होगा सो टू से टू कैंसिल हो जाएगा ये सिंपली के आएगा अब ये हमारी जो लेफ्ट एंड लिमिट है इसकी वैल्यू आई है टे अब के जो है वो टी स्टेक्ल होगा अपनी जो एफ जीरो या एफ जीरो हमने जो पहले ही कैलकुलेट किया था दैट इज़ माइनस वन बाई टू तो सिंपली के की वैल्यू माइनस वन बाई टू ही हो जाएगी माइनस वन बाई टू रूट टू नहीं होगी एक्चुअल में वो रूट वन प्लस रूट वन को रूट टू कर दिया था वो एक्चुअल में अलग अलग रूट है और के स्टूडेंट्स तो यहाँ पे टू आएगा टू से टू कैंसिल होगा के आ गया के की वैल्यू हमने इस्टे इक्वल की तो के की वैल्यू माइनस वन बाय नाउ फोर्थ पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर सेवनटीन इज एफ एक्ट्स इक्वल टू रोट थ्री साइन एट्स प्लस क्रॉस एट्स अपॉन एक्स प्लस फाइव बाई सिक्स वैन एक्स इज़ नॉट इक्वल टू माइनस फाइव बाई सिक्स एंड के वैन एट्स इक्वल टू माइनस फाइव बाई सिक्स सो स्टूडेंट्स ये एक अच्छा क्वेश्चन है मैं कहूँ और ध्यान से सुनिए अभी इस क्वेश्चन को और हमें यहाँ पर ये डेफिनेशन तो फाइव बाई सिक्स माइनस फाइव बाई सिक्स पे यूज़ हो रही है ये एल एच एल और आर एच एल दोनों में यूज़ हो रही है सो नाउ वी हैव चॉइस बिटवीन एल एच एल और आर एच एल सो स्टूडेंट्स फर्स्ट ऑफ ऑल एफ पाई माइनस पाई बाई सिक्स इज इक्वल टू के नाउ वी विल कैलकुलेट आर एच एल सो फर्स्ट ऑफ ऑल इट विल बिकम लिमिट एच टेंस टू माइनस पाई बाई सिक्स प्लस ओके एंड फंक्सन इज रूट थ्री साइन एक्स प्लस क्रॉस एक्स अपॉन एक्स प्लस पाई बाय सिक्स ये फंक्सन है हमारा अब स्टूडेंट्स सबसे पहले जो काम की बात है इस क्वेश्चन में ध्यान से समझिए इसको हमें कैसे सॉल्व करना है तो हमें इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे मैंने इस न्यूमरेटर को टू से मल्टीप्लाई किया और टू से डिवाइड भी कर दिया क्लियर है स्टूडेंट्स कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए अब मैं इसको साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला बनाने की कोशिश करूँगा सो लिमिट एच टेंस टू माइनस फाइव बाई सिक्स प्लस सो ये हो जाएगा टू अब देखिए अगर मैं इसको साइन ए मानता हूँ तो साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी बोलो फॉर्मूला बन रहा है नहीं बन रहा बिल्कुल बन रहा है तो मैं क्या करूँगा साइन ए कोस बी अब रूट थ्री बाई टू कोस में कहाँ पर होता है थर्टी डिग्री पर थर्टी का मतलब होता है पाई बाई सिक्स प्लस कोस देखो साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी अब साइन में वन बाई टू कहाँ पर होता है ओब्वियसली बात है थर्टी डिग्री पे दैट इज पाई बाई सिक्स क्लियर है स्टूडेंट्स इस तरीके से इस क्वेश्चन में मॉडिफिकेशन करना था अब तो तुम्हें भी लग हो रहा होगा कि सर आसान क्वेश्चन है कर लेंगे ध्यान से सुनिए लिमिट एच एच टेंस टू माइनस पाई बाय सिक्स प्लस अब स्टूडेंट्स इस इसमें क्या होगा ध्यान से सुनिए टू इन टू ये जो न्यूमरेटर है साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी इट इज ए फॉर्मूला ऑफ साइन ए प्लस बी सो वी कैन राइट साइन एच प्लस पाई बाई सिक्स अपॉन एक्स प्लस फाइव बाई सिक्स सो अगर अब तुम आ रे सॉल्व करना चाहो तो कर भी सकते हो नहीं तो सिंपल है पहले लिमिट एच टेंस टू जीरो कर लो एच टेंस टू ज़ीरो करोगे तो क्या हो जाएगा टू साइन एक्स को रिप्लेस करना है माइनस पाई बाई सिक्स प्लस एच बिकॉज इट इज़ आर एच एल ओके और हेयर वी विल रेट प्लस फाइव बाई स और डिनोमिनेटर विल भी माइनस पाई बाई सिक्स प्लस एच प्लस पाई बाई सिक्स π by 6 will cancel each other. So overall we will get टाइम्स times of sin h upon h, where limit h tends to 0 So overall we will get 2 into वन that is टू So we can say value of के is equal to टू क्योंकि ये दोनों इक्वल होने चाहिए तभी फंक्शन क्या होगा कॉन्टिन्यूस होगा तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 17 के फोर पार्ट्स थे मैं कहूँ सभी फोर पार्ट्स अच्छे क्वेश्चन थे जो कि हमने कंप्लीट कर लिए नाउ वी विल मूव टू आवर क्वेश्चन नंबर 18। स्टूडेंट्स नाउ वी विल डिस्कस क्वेश्चन नंबर एट्टीन जिसमें कह रहा है फाइंड वैल्यूज ऑफ ए एंड बी फॉर विच फंक्शन इज कॉन्टीन्यूस एट एक्स इक्वल टू जीरो फंक्शन क्या है एक्स प्लस एक्स अपॉन साइन ए प्लस इफ माइनस पाई से जीरो के बीच में टू इफ एक्स इक्वल टू जीरो पावर साइन बी एक्स माइनस वन अपॉन बी एक्स एट्स ग्रेटर देन जीरो स्टूडेंट्स ये बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है सीबीएसई सैंपल पेपर टू थाउजेंड एटीन में आया हुआ भी है और स्टूडेंट्स दिख रहा है कुछ तो पहले तुम्हें लिमिट्स बता देता हूं ध्यान से सुनिए जैसे एट सबसे पहले तो लिमिट एच टेंस टू जीरो वन प्लस एच की पावर वन बाई एक्स इज इक्वल टू होता है ई होता है ठीक है एट इसी प्रॉपर्टी से दूसरी प्रॉपर्टी ड्राइव करते हैं हम जैसे ये मान लो फर्स्ट प्रॉपर्टी है और इसी से एट सेकेंड प्रॉपर्टी क्या करते हैं लॉड ले लेते हैं दोनों तरफ तो स्टूडेंट्स अगर हम यहाँ पे लोड लेंगे तो इधर भी लोड आएगा सो तो क्या हो जाएगा लिमिट एक्स टेंस टू जीरो अब इसको समझना यहाँ पे मैं लोड लूंगा तो लॉड के आगे जो लिखा होता है उसकी जो पावर होती है वो आगे आ जाती है तो वन बाई एक्स तो आगे आया होगा और यहाँ पे क्या बना होगा लॉड वन प्लस एक्स ध्यान से देखो बोलो ये बात समझ में आई या नहीं आई बिल्कुल आ रही और उधर लॉगी लॉगी की वैल्यू कितनी होती है वन होती है क्लियर है स्टूडेंट्स चलिए एक बात तो ये याद रखनी है तुम्हें और इसी तरह एक बात और होती है जिसको मैं प्रॉपर्टी सेकेंड भी बोल सकता हूँ ये सब तुम्हारी इलेवंथ क्लास में पढ़ी हुई है हालंटी लेकिन इलेवंथ क्लास पढ़े हुए तुम्हें काफ़ी टाइम हो गया तो मुझे उम्मीद है कि तुम भूल गए होगे इसलिए दोबारा डिस्कस कर रहे हैं दूसरी प्रॉपर्टी जो तुम याद रख सकते हो दैट इज़ लिमिट एक्स टेंस टू जीरो ई रेज टू पावर एक्स माइनस वन अपॉन एक्स इज इक्वल टू क्या होता है

ये बहुत ही जरिया काम आने वाली है हमें और एक चीज और क्लियर कर दू मैं ये जो जैसे ई की पावर एक्स माइनस वन अपॉन ऐसे होता है ना तो बात को समझने की कोशिश करो जैसे ये इस तरीके से होता है ई की पावर डब्बा माइनस वन अपॉन डब्बा दोनों डब्बे सेम होने चाहिए जैसे यहां एट्स है तो यहाँ भी एक्स आ गया यहां अगर सेवन एक्स लिखा होता और यहाँ भी सेवन एक्स आ गया होता तो भी प्रॉपर्टी सेम होती जैसे लॉर्ड वन प्लस साइन एक्स अपॉन साइन एक्स आ जाए तो लॉर्ड वन प्लस डब्बा अपॉन डब्बा दोनों सेम है तो ऑब्वियसली बात है आइडेंटिटी सेम रहेगी ये बात समझने की है क्लियर है स्टूडेंट्स चलिए अब इस क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं विच इज आवर क्वेश्चन नंबर 18। सो so, स्टूडेंट्स इसमें तो हमें एफ जीरो बता रखा है सिंपली एफ जीरो की वैल्यू बता रखी है टू अब स्टूडेंट्स बहुत सारे सोच रहे होंगे कि सर एल एच एल यूज करें आर एच एल यूज करें स्टूडेंट्स अगर तुम एलएचएल यूज करोगे तो तुम तुम ये वाली डेफिनेशन यूज करोगे ये छूट जाएगी और आरएचएल यूज़ करोगे तो ये यूज कर लोगे ये छूट जाएगी इसलिए इन इस क्वेश्चन में हमें वी हैव टू यूज ऑल थ्री डेफिनेशंस फंक्शन वैल्यू एट दैट पॉइंट एल एच एल एज वेल एज आर एच एल तीनों यूज करनी है तो सबसे पहले एफ जीरो इज इक्वल टू टू आया नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट एल एच एल सो एल एच एल क्या होता है स्टूडेंट्स बताइए एल एच एल होता है लिमिट एच टेंड्स टू जीरो माइनस जिस पॉइंट पे तो चेक कर रहे हैं उससे कम के लिए सो जीरो माइनस जीरो से कम के लिए फंक्शन कौन सा है एक्स प्लस साइन एक्स अपॉन साइन ए प्लस वन इंटू एक्स स्टूडेंट्स यहाँ पे जो तुम्हें सबसे पहले समझ में आ रहा होगा वो ये है कि सर इनको सेपरेट कर लीजिए आप बिल्कुल तो लिमिट एक्स टेंस टू जीरो माइनस जैसे ही मैं सेपरेट करने की सोचूंगा एक्स अपॉन साइन ए प्लस वन इंटू एक्स क्लियर है और ऐसे ही दूसरा क्या बनेगा साइन एक्स अपॉन साइन ऑफ ए प्लस वन इंटू एक्स इस तरीके से बन जाएगा क्लियर है स्टूडेंट्स चलिए अब मैं इसको नेक्स्ट स्टेप में सॉल्व करता हूँ ध्यान से समझना स्टूडेंट्स यहाँ पर तो ऐसे लिखा हुआ तो है लिमिट एक्स टेंस टू जीरो माइनस अब देखिए ये एक्स अपॉन साइन ए प्लस वन लिखा हुआ है तो अब ये कितने बच्चों को लगता है कि एक्स अपॉन ए प्लस वन इंटू एक्स लिखा हुआ है ये साइन थीटा है अगर ये साइन थीटा अपॉन थीटा हुआ होता तो इसकी वैल्यू वन हो गई होती तो मेरे को क्या करना पड़ेगा ए प्लस वन से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और ए प्लस वन से क्या करना पड़ेगा डिवाइड करना पड़ेगा उससे क्या फायदा हुआ मेरा एक सेकेंड रब कर लेते हैं इसको इससे ये फायदा हुआ अपना कि ये देखिए ये पूरा क्या बन गया साइन थीटा अपॉन थीटा ठीक है थीटा अपॉन साइन थीटा की भी वैल्यू वन ही होती है ना बताया था चलिए तो ये तो हमारी फर्स्ट क्वांटिटी और ये बीच में प्लस है अब क्या है साइन एक्स अपॉन साइन ए प्लस वन इंटू एक्स अभी स्टूडेंट्स बहुत से बच्चे सोच रहे होंगे कि सर ये साइन ए प्लस वन एक्स लिखा हुआ है तो साइन एक्स अपॉन एक्स तो कर दो वन अरे ऐसे नहीं होता ये साइन ए प्लस वन एक्स इस साइन का थीटा है ए प्लस वन एक्स तो ए प्लस वन एक्स से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा डिवाइड करना पड़ेगा उसके बाद एक्स और चाहिए हमें तो एक्स से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा एच से डिवाइड करना पड़ेगा अब जो मैं बात समझाऊं उसको ध्यान से समझना बेटा ये इसीलिए मैं कह रहा था कि बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है अब इसमें समझने की बात देखो क्या है नेक्स्ट स्टेप में लिखूंगा तो सारी बातें क्लियर हो जाएंगी एच टेंस टू जीरो माइनस अब ये जो लिखा हुआ है मैं मार्क कर रहा हूँ देखो साइन ए प्लस वन इंटू एक्स अपॉन ए प्लस वन इंटू एक्स ये क्या है थीटा अपॉन साइन थीटा ही लिखा हुआ है इसकी वैल्यू क्या होती है वन सो सिंपली क्या बचा वन अपॉन ए प्लस वन प्लस अब देखिए यहाँ पर जो लिखा हुआ है साइन एक्स अपॉन एक्स इसकी वैल्यू कितनी होती है वन यहाँ पर जो लिखा हुआ है ए प्लस वन एट्स अपॉन साइन ऑफ ए प्लस वन एट्स इन दोनों के मिलाकर भी वैल्यू कितनी होती है वन होती है हमारे पास जो बचा वो बचा एक्स अपॉन ए प्लस वन एट्स एट से एक्स भी कैंसिल हो जाएगा सो स्टूडेंट्स ओवरऑल वी कैन राइट वन अपॉन ए प्लस वन सो यहाँ पे हमें अब x से तो इंडिपेंडेंट है ये तो लिमिट तो हटा दो चाहे क्या मिला टू अपॉन ए प्लस वन दिस इज आवर एल एच एल इस तरीके से हमें इसकी एल एच एल सोल्व कर पाए अब स्टूडेंट्स हमारा इसमें एट पोर्शन और बचा हुआ है इस क्वेश्चन में जिसमें हमें क्या फाइंड आउट करनी पड़ेगी आर एच एल फाइंड आउट करनी पड़ेगी हालांकि अब तुम इन दोनों को इक्वल कर कर ए की वैल्यू निकाल सकते हो तो अगर तुम चाहते हो पहले ए की वैल्यू निकालें तो वो भी निकाल दो टू अपॉन ए प्लस वन टू से टू कैंसिल हो जाएगा यहाँ वन बचा इट इम्प्लाइज ए प्लस वन इक्वल टू वन ओके सो मैं कह सकता हूँ ए की वैल्यू कितनी आ रही ए इज इक्वल टू जीरो अब स्टूडेंट्स ध्यान से सुनिए यहाँ से ए की वैल्यू तो आ गई लेकिन अभी भी हमारा बी बचा हुआ है तो उसके लिए हमें आर एच एल फाइंड आउट करना पड़ेगा यहां पर मैं आर एच एल फाइंड आउट करने जा रहा हूँ या मैं कहूँ इसको भी रब कर लेते हैं सी बी एस ई सैम्पल पेपर टू थाउजेंड एटीन और यहाँ पर हम क्या फाइंड आउट करेंगे आवर आर एच एल सो so, आर एच एल क्या होता है लिमिट एक्स टेंस टू जीरो प्लस जीरो प्लस के लिए फंक्शन क्या दिया हुआ है टू इंटू ई की पावर साइन बी एक्स माइनस वन अपॉन बी एक्स अब स्टूडेंट्स जो समझने वाली बात है वो ये है कि मैंने बताया था लिमिट एक्स टेंस टू जीरो ई की पावर डब्बा माइनस वन अपॉन डब्बा दोनों डब्बे सेम होने चाहिए लेकिन यहाँ पर डब्बा कुछ हो रहा है और यहाँ पर कुछ हो रहा है तो ये नहीं लगेगी इसमें आइडेंटिटी कि ई की पावर एक्स माइनस वन अपॉन एक्स वन होता है वो आइडेंटिटी यहाँ पर नहीं लग सकती तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा यही डब्बा यहाँ के इसका मतलब ये नहीं है यहाँ पे साइन लगा दो ऐसे नहीं लगता तो क्या करेंगे इसको मल्टीप्लाई करेंगे साइन बी एच से साइन बी एच से मल्टीप्लाई किया और डिवाइड भी किया तो यहाँ पर साइन बी एच से मल्टीप्लाई डिवाइड दोनों करने पड़ेंगे अब स्टूडेंट्स इस इससे हमारे पास क्या फ़ायदा होगा अब ध्यान से देखो इ की पावर डब्बा माइनस वन अपॉइंट डब्बा लिखा हुआ है ये देखो इसको ध्यान से

सर वो सब तो ठीक है लेकिन वैल्यू कहाँ पे है बी टी बी की वैल्यू और बतानी है तो एक्चुअल में देखो ना ये कॉन्टिन्यूस हो रहा है और बी की वैल्यू से इंडिपेंडेंट भी हो गया बी की वैल्यू आई नहीं कहीं पे तो बी की वैल्यू के ऊपर कोई कंडीशन नहीं है तो हम कह सकते हैं देयर फॉर फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ बी ठीक है ऑल रियल वैल्यूज ऑफ बी कोई भी वैल्यू रखो बी टी सब लिए सेटिस्फाई कर रहा है एंड ए इज इक्वल टू जीरो इस तरीके से हमने एक बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन को अटैम्प्ट किया और कंप्लीट किया तो स्टूडेंट्स क्लियर है और एक चीज़ और भी कह सकते हैं कि भाई बी की जो वैल्यू है ना ऑल रियल वैल्यूज ऑफ बी होंगी एक्सेप्ट जीरो और ये एक्सेप्ट जीरो वाली बात कहां से आई यहां पे बी डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है तो बी की वैल्यू कुछ भी हो सकती है लेकिन क्या नहीं हो सकती जीरो नहीं हो सकती तो स्टूडेंट्स मूव करते हैं आगे नाउ क्वेश्चन नंबर नाइनटीन क्वेश्चन नंबर 19 लिखा है मैंने तुम्हारे सामने जिसमें कह रहा है टेस्ट ऑफ एस कॉन्टीन्यूटी टू जीरोस इज इक्वल टू मोड एक्स अपॉन एट्स एक्स इज नॉट इक्वल टू जीरो एंड वन वैन एक्स इक्वल टू जीरो ओके स्टूडेंट्स सो दिस इज ए नेक्स्ट क्वेश्चन विच वी हैव टू डिस्कस ओके सो फर्स्ट ऑफ ऑल हेयर एफ जीरो इज डी वन एफ जीरो इज डी वन दैट इज इक्वल टू वन बट स्टूडेंट्स इन दिस क्वेश्चन मोड़ इज टिवन मोड एक्स अपॉन एक्स सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू सोल्व मोड़ एक्स सो मोड़ को रिमूव करना है सिंपली जब भी किसी क्वेश्चन में मोड़ आ जाए तो पहले मोड़ को रिमूव करने की बात करेंगे उसके बाद क्वेश्चन को सोल्व करेंगे सो मोड़ को हटाने के लिए क्या करेंगे मोड़ का क्रिटिकल पॉइंट क्या होता है मोड़ के अंदर जो लिखा होता है ना उसको इक्वल टू जीरो कर दो तो क्रिटिकल पॉइंट क्या आया जीरो आ गया अब दो रीजन बनेंगे एक तो जीरो से टम वाला रीजन और एक जीरो से ज़्यादा वाला रीजन और जीरो वाला तो उसने खुद नहीं बता रखा है कि जीरो पे क्या रहा है वन अब स्टूडेंट्स बात को समझना जीरो से कम के लिए एक्स कैसा होगा नेगेटिव होगा मतलब ये वाला पोर्सन नेगेटिव होगा अब नेगेटिव होगा तो मोड़ तो पॉजिटिव बनाता है तो मोड़ हटाने के लिए क्या करेंगे एक नेगेटिव और लगा देंगे जिस रीजन में नेगेटिव आता है उसमें एक नेगेटिव का साइन बाहर लगा दो अब देखो एक्स खुद जीरो से कम है तो ये नेगेटिव और माइनस से मल्टीप्लाई होगा ओवरऑल क्या हो जाएगा पॉजिटिव इस तरीके से मोड़ को ब्रेक किया तो ये टिस्ट इक्वल आ गया माइनस वन के लिए वैन एट्स ग्रेटर देन जीरो तो क्या हो जाएगा अब एट्स ग्रेटर देन जीरो है मतलब ये पॉजिटिव है पॉजिटिव नंबर के ऊपर मोड़ हो या ना हो कोई फर्क ही नहीं पड़ता सिंपली क्या हो जाएगा एट्स अपोन एट्स दैट इज इक्वल टू वन सो अब जो हमारा फंक्शन जो हमें उस तरीके से डीवन था वो ये हो जाएगा क्लियर है स्टूडेंट्स अब हम सभी एल एच एल फंक्शन की वैल्यू इस पॉइंट पे आर एच एल कैलकुलेट कर सकते हैं सो एफ जीरो विल बी इक्वल टू वन एल एच एल कैलकुलेट करो एल एच एल क्या हो जाएगा लिमिट एच टेंस टू जीरो माइनस सो जीरो माइनस के लिए है माइनस वन फंक्सन इंडिपेंडेंट है तो सिंपली क्या आ गया माइनस वन आर एच एल आर एच एल में क्या हो जाएगा लिमिट एच टेंस टू जीरो प्लस सो यहाँ पे वन है तो सिंपली वन ही हो जाएगा क्योंकि जीरो लिमिट तो रख ही नहीं सकते एक्स है ही नहीं उसमें सो so, ये तीनों इक्वल आए हैं तीनों इक्वल नहीं आए नॉट इक्वल है एल एच एल तो देयर फॉर फंक्शन इज डिसकॉन्टिन्यूस एट एक्स इक्वल टू जीरो इतना ईजी सा क्वेश्चन था मेरे हिसाब से अब तुम इसको ईजीली कर सकते हो बेटा इस बात को ध्यान रखना कि जिन क्वेश्चन में पहले मोड आता है या मोड को इंट्रोड्यूस कर दिया जाता है एफेक्स के अंदर उसमें सबसे पहला टर्म यही होता है मोड़ को हटाओ मोड को हटाने का तरीका जो मोड़ के अंदर लिखा हुआ है उसको इक्वल टू जीरो रखो और वहां से एक्ट्स की वैल्यू निकालो जैसे हमने यहाँ पे एक्स ही रखा हुआ था तो एक्स इक्वल टू जीरो अब दो रीजन बनते हैं हमेशा एक क्रिटिकल पॉइंट से एक इससे कम वाला एक इससे ज्यादा वाला अब ये देखो कि ये जो एक्स था मतलब ये जो मोड़ के अंदर लिखा हुआ था ये कम वाले में नेगेटिव आ रहा है ज़्यादा वाले में नेगेटिव आ रहा है जैसे यहाँ पे तो कम वाले में नेगेटिव आ रहा है एक्स को कम रखोगे तो नेगेटिव आएगा इसका मतलब ये नहीं है कि हमेशा ऐसा ही होगा जैसे माइनस एक्स होता मोड़ के अंदर तो कम रख रहे हैं तो पॉजिटिव आ रहा है तो ऐसा भी हो सकता है तो यहाँ पर कम वाले में नेगेटिव आ रहा था जिस रीजन में नेगेटिव आता है मोड़ को हटाने का तरीका ये है उसमें एक नेगेटिव और लगा दो बार और जिस रीजन में पॉजिटिव आ रहा है मोड़ की जरूरत नहीं है मोड़ सिंपली हट जाता है दैट्स इट इस तरीके से मोड़ वाले क्वेश्चन में पहले मोड़ को रिमूव करते हैं देन सोल्व करते हैं नाउ वी विल मूव टू क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी अब ये क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी लिखा है तुम्हारे सामने जो एक और अच्छा क्वेश्चन है मॉड्युलस फंक्शन का जिसमें कह रहा है टेस्ट कॉन्टीन्यूटी ऑफ फंक्शन एफेक्स एट एक्स इक्वल टू वन वेयर एफेट्स इज इक्वल टू मोड़ ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वन इफ अपॉन एक्स माइनस वन इफ एक्स इज नॉट इक्वल टू वन एट टू इफ एक्स इज इक्वल टू वन तो इसको डिस्कस करते हैं अब मैंने ये बात तुम्हें काफी बार, बार एक्सप्लेन कर दी कि जिन क्वेश्चन में मोडुलस फंक्शन इंट्रोड्यूस किया जाएगा उसमें पहले मोड़ को ही सोल्व करते हैं मोड़ को सोल्व करने का तरीका क्या होता है जो मोड़ के अंदर लिखा हुआ है उसको इक्वल टू जीरो करते हैं किया हमने तो यहां से क्या आया एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वन आया तो मैं कह सकता हूँ एक्स इक्वल टू प्लस माइनस वन आया मतलब एक्स की दो वैल्यूज आई प्लस माइनस वन का मतलब है एक तो वैल्यू आई माइनस वन और एट आई वन ये बात क्लियर है अब स्टूडेंट्स ध्यान से सुनिए अब जैसे दो क्रिटिकल पॉइंट आते हैं ना तो रीजन क्या बनेंगे माइनस वन से कम वाला माइनस वन से वन वाला और वन से ज़्यादा वाला ये तीन रीजन बनेंगे एक क्रिटिकल पॉइंट से दो बनते हैं दो से तीन तीन से चार इस तरीके से तो यहाँ पे मैं रीजन देखो बना रहा हूँ तुम्हारे सामने वैन एक्स लेस देन माइनस वन जो सबसे कम वाला है उससे कम नहीं रहे मतलब माइनस वन से कम के लिए फिर एक रीजन बनेगा इन दोनों के बीच में रहे माइनस वन से वन और एथ रहेगा वेन एक्स ग्रेटर देन वन और टे स्टूडेंट्स और एक बात उसने खुद बता रखी है कि जब एक्स इक्वल टू वन है तो ये यूज नहीं करना क्या है रिजल्ट सिंपली टू है चलिए बहुत अच्छी बात इस तरीके से हमें मोड़ मतलब हमने सबसे पहले रीजन ढूंढ लिए अब रीजन ढूंढने के बाद इस मोड़ को तो कैसे हटाया जाता है इसके ऊपर थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं कि बेटा देखो जैसे एक्स लेस देन माइनस वन है ना तुम माइनस वन से कम के लिए मतलब माइनस वन से छोटा कोई नंबर सोच लो जैसे तुमने क्या सोचा माइनस टू सोच लिया और जिसके ऊपर मोड़ था उसके अंदर रखो जैसे माइनस वन से छोटे रीजन की बात कर रहे हैं तो मैंने माइनस टू सोचा माइनस टू किसके अंदर रखो जिसके ऊपर मोड़ था मोड़ किसके ऊपर था मोड ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वन इसके अंदर माइनस टू रखा तो माइनस टू का स्क्वायर क्या आया बताओ माइनस टू का स्क्वायर आएगा फोर फोर माइनस वन कितना आया थ्री आया भाई थ्री पॉजिटिव होता है नेगेटिव होता है सर पॉजिटिव होता है अगर पॉजिटिव है जब तो मोड़ को ऐसे ही हटा दो सिंपली एक्स स्क्वायर माइनस वन अपॉन एक्स माइनस वन अगर पॉजिटिव आता है तो मोड़ के अंदर वाली क्वांटिटी मतलब जिस रीजन में मोड़ की क्वांटिटी मोड़ के अंदर जो लिखा है वो पॉजिटिव है तो उस पर मोड़ का कोई औचित्य है नहीं है देखो समझो जैसे मोड़ के अंदर मान लो टू लिखा हुआ है तो मोड़ का कोई मतलब ही ही नहीं टू है है आना तो इस रीजन में मैं कह सकता हूं एक्स स्क्वायर माइनस वन पॉजिटिव होने जा रहा था एक्स की कोई भी वैल्यू रख लो माइनस वन से कम तो ये हमेशा पॉजिटिव होगा और जब हमेशा पॉजिटिव होगा तो मोड़ का कोई मीनिंग नहीं है हमने मोड़ हटा दिया अब आगे वाले रीजन में चलते हैं माइनस वन से जी वन तो इसके बीच का कोई नंबर सोचो हमने सोच लिया जीरो जीरो इसके अंदर रखो माइनस वन आ गया माइनस वन नेगेटिव है नेगेटिव है मोड के अंदर जो लिखा था वो नेगेटिव है तो उसको पॉजिटिव बनाने के लिए याद करेंगे मोड हटाएंगे और उसको माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे कर दिया नहीं आई बात समझ में बिल्कुल आई हो ही नहीं सकता बात समझ में ना आगे एक्स देन वन, से बड़ा कोई है मैंने टू दिया, टू मोड़ को हटा दो एक्स स्क्वायर माइनस वन अपॉन एक्स माइनस वन और ये जो एक्स इक्वल टू वन उसने बता रखा था ये पहले से चल रहा है टू इस तरीके से हमने इसको सोल्व किया अब सबको पता है कि एक्स स्क्वायर माइनस वन को एक्स माइनस वन एक्स प्लस वन लिखा जा सकता है तो ये जो तुम्हें भयानक सा क्वेश्चन लग रहा था मोड़ हटने के बाद ऐसा हो जाएगा वेन एक्स लेस देन माइनस वन माइनस वन सेटम के लिए एक्स माइनस वन एक्स प्लस वन माइनस वन कैंसिल हो जाएगा सो so, क्या बचेगा वन अपॉन एक्स प्लस वन बचेगा सिंपली क्योंकि एक्स माइनस वन से एक्स माइनस वन कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे भी एक्स माइनस वन से एक्स माइनस वन कैंसिल हो जाएगा क्या बचेगा माइनस रहा एक्स प्लस वन न से माइनस एक्स माइनस वन वेन माइनस वन से वन के बीच में है एक्स इधर आ जाओ इधर भी एक्स प्लस वन ही बचेगा एक्स प्लस वन वेन एक्स ग्रेटर देन वन और टू वेन एक्स इज इक्वल टू वन स्टूडेंट्स अब सबसे पहले बात ही आती है हमें माइनस वन पे डिस्कस करना है या वन पे डिस्कस करना है क्योंकि इसमें दो जगह डेफिनेशन चेंज हो रही है तो माइनस वन तो पे और एक वन पे तो आप क्वेश्चन को प्रीफर करते हैं टेस्ट क्वान्यूटी ऑफ फंक्शन एट टू वन तो मतलब हमें क्वान्ट्यूटी ट्रांस चेक करनी है वन पर तो सबसे पहले एफ वन जो कि डी वन है टू उसके बाद एफ वन माइनस वन माइनस के लिए क्या होगा एल एच एल लिमिट एच टेंस टू वन माइनस वन माइनस के लिए बताओ एट से कम के लिए एट से कम के लिए कौन सा फंक्शन काम में आएगा ये वन के लिए है ये वन से ज़्यादा के लिए ये वन से कम के लिए है क्लियर अब आपको ये नहीं सोच रहा सर ये वन से कम के लिए है लेकिन माइनस वन से तो ज़्यादा होना चाहिए वन से कम लेना है ज़्यादा कम हो गया तो वन माइनस का मतलब होता है वन माइनस एच एच वन से थोड़ा सा कम तो यही डेफिनेशन काम में आने वाली है दैट इज माइनस एक्स माइनस वन रिप्लेस कर देंगे लिमिट एच टेंस टू जीरो क्या हो जाएगा माइनस वन माइनस एच माइनस वन सो स्टूडेंट्स ये सिंपली क्या हो गया ये हो गया माइनस वन माइनस वन दैट इज माइनस टू सो so, यहाँ पे देख सकते हो तुम जो तुम्हारा F2 था वो तो आ रहा था F1 जो था वो तो 2 आ रहा था और एल जो है वो माइनस टू आई है तो फंक्शन कॉन्टीन्यूस हो ही नहीं सकता अगर अब आर भी करना चाहो तो कर सकते हो लेकिन उससे कोई फ़ायदा नहीं है आर क्या होगा लिमिट एक्स टेंस टू वन प्लस वन प्लस क्या हो जाएगा ये एक्स प्लस वन इसमें पुट करो वन प्लस एच तो वन प्लस एच प्लस वन ये तो कितना आ जाएगा टू आ जाएगा बट फिर भी मैं कहूँगा ये डिसकॉन्टीन्यूअस होगा क्योंकि यहाँ पर इसकी वैल्यू कितनी आ रही है माइनस वन माइनस वन माइनस टू आ रही है ओके स्टूडेंट्स सो ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी सो टुडे वी हैव कंप्लीटेड अप टू क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी सो स्टूडेंट्स हमने कुछ मोड वाले क्वेश्चन को भी करना सीखा है और ऑलमोस्ट हमने सारे टाइप के क्वेश्चन किए हैं सो वी आर जस्ट इन द लास्ट स्टेज ऑफ कॉन्टीन्यूटी We will discuss some more questions tomorrow. Thank you and have a nice day.